बड़े ही दिन के बाद हमने जब गाड़ी ली है उसके बाद हमें आज मिली और रणधीर ऐसे भगा रहा है कि जैसे उसको पहली बार गाड़ी मिली हो। पहली बार नहीं मिली, थर्ड टाइम मिली है। और गाड़ी भी क्यों मिली है सोचो दोस्तों, मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड कार है, पर सिर्फ सर्विस कराने के लिए मिली है। क्या सर्विस करवा ली शुभू? अगर आज सर्विस नहीं होती ना तो आज भी नहीं मिलती इसको। और ना दोस्तों आज ना एक बहुत बड़ा सीन हुआ है, मेरे घर में रॉबरी हुई है। प्रॉपर जो नया घर हम बना रहे हैं उसमें रॉबरी हुई है। मेरा मन नहीं था कि मैं आज गाड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि देखो दोस्तों घर में रॉबरी हुई है। मेरे सारे जितने भी टेक्नीशियंस थे, जितने भी मिस्त्री थे, उन सबके सामान वगैरह की चोरी, सारा इक्विपमेंट चुरा के ले गए। मतलब तगड़ी चोरी हुई है। मतलब हमारा भी नुकसान हुआ और हमारे मिस्त्रियों का भी बड़ा नुकसान हुआ। तो मेरा मन नहीं था कि गाड़ी की सर्विस आज लेकर जाऊँ, बट मुझे पता था कि अगर नहीं लेके जाऊंगा तो कल मिलेगी भी नहीं। तो मुझे आधे मन से भी सर्विस के लिए गाड़ी को लेके जाने पड़ रहा है। मैं कोशिश पूरी करूंगा खुश रहने की और रहूंगा भी, बट ये आपसे तो अपनी फैमिली से शेयर करें, क्योंकि अब हम व्लॉग थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ी रेगुलरिटी में जो जो चीजें हो रही हैं वो बता पाते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो हमारे घर में आज चोरी हुई है और हम जा रहे हैं सर्विस कराने, क्योंकि देखो दोस्तों चोरी तो अब हो चुकी है, अब वो माल वापस तो आएगा नहीं। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई, सामान इतना सारा। वो बंदा अकेला था, चढ़ा अंदर से, जितना उसके एक हाथ दो हाथों में सामान जितना वो उठा के लेके जा पाया होगा सारा ले गया वो। उसने हमारी एसी की लाइनें काट दी, दीवारों में घुसा रखी थी एसी की लाइनें, सारे निकाल जो कॉपर पाइप्स होते हैं एसी की वायरिंग होती है वो पूरी खोल ली। मेरे अभी दो डिपार्टमेंट मेजर लगे हुए, फॉल सीलिंग वाले और पत्थर की कटाई वाले। घिसाई वाले की तो तार का पूरा बंडल काट के ले गए, घिसाई वालों के सारे दो ग्राइंडर, कटर मशीन, पीओपी वालों की सारी मशीनें, ड्रिल मशीन, मेरी खुद की हैमर ड्रिल, बहुत सारी चोरी हो गई। और अभी तो हमारी गाड़ी भी है उसी में खड़ी थी, और मेरी पार्किंग में थार खड़ी थी, मेरे को टेंशन हो रही थी कि स्क्रैच व्रैच ना मार दिया हो किसी ने। और दो हमारी साइकिलें भी खड़ी थी, शुक्र है वो भी नहीं लेके गए। साइकिल नहीं चुराई, पड़ा वो एक। अरे आईडिया मत दे भाई। क्या पता व्लॉग ही देख रहा हो। हमारा सामान वापस कर जाना जो भी देख रहा है व्लॉग। थार में बैठ के तो इतनी ज्यादा जबरदस्त फीलिंग आ रही है ना दोस्तों, क्योंकि देखो एक तो हम ना ऊंची हाइट पे, थोड़ी ज्यादा हाइट पे बैठते हैं, जो नॉर्मल कारें होती हैं उनसे ऊपर तो थार होती होती है देखो। और ना जब हमारा भाई ना रोज लेके जा रहा था ना, तो हमसे उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या कैसा रिएक्शन था, किसी ने तेरे को कुछ कहा है ना? तो भाई बोलता कि मेरे को ना एक बंदे, मतलब मेरे को रोक रोक के बंदे बोलते कि थम्स अप, कितनी अच्छी गाड़ी ली है आपने। उसके बाद ना उन्होंने बोला कि मेरे को सब देखते हैं। तो ये बात अब मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे बैठ के कि हाँ यार सब देखते हैं। और थार तो है ही देखने लायक, लेकिन उससे अच्छी और उससे प्रीमियम क्या होती है, वाइट था। मतलब एकदम राज्य वाली फीलिंग आती है, ऐसे आप हाइट पे बैठते हो तो आपको लगता है अरे यार जो जितने भी पैसे दिए ना कट्ठे करके वो वसूल हो गए। बड़ी जल्दी पैसे कट्ठे कर लेते हो, कमाते आप कुछ होनी होती है, आप बड़ी जल्दी पैसे इकट्ठे कर लेते हो। ना दोस्तों हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है घर वालों की, जो हमारे घर वाले हैं ना बेचारे, हमारे छोटा छोटा करके हमें छोटा छोटा समझ के ना हमें सब ले देते हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं। और हमारे पास हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसलिए बस इसलिए छोटे बच्चे जो बिगड़ जाते हैं ना, हमारा वो हाल हो गया, चीजें सारी हमारे पास पर हम बिगड़े हुए हैं। गाड़ी हमारी फर्स्ट सर्विस पे आ चुकी है एंड सर्विस क्यू में लग चुकी है। आज ज़्यादा उसमें कुछ काम नहीं है, एक बेसिक जनरल चेकअप होगा जिसके अंदर वो इंजन ऑयल, फ्लूइड्स, कूलेंट, गियर ऑयल वगैरह चेक करेंगे। एक डेफ होता है जिसको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोलते हैं, वो आजकल डलता है नई वाली जो BS 6.2 कार्स है उसके अंदर आता है वो, तो वो अपने आप कई गाड़ियों में जैसे डीजनरेट और रीजनरेट होता है, और वो एक टाइम पीरियड में, मतलब इनिशियल जो रन इन पीरियड होता है इसके अंदर कम हो सकता है, बट हमारी गाड़ी में ऐसा नहीं हो, 93% पे ही है और वो अपने आप रीजनरेट भी हो जाएगा। उसका जो चेंज इंटरवल है वही एक एवरेज इंजन ऑयल होता है 10,000 किलोमीटर का वही है, तो फिलहाल के लिए तो ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ काम है नहीं कि मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है ना कि अगर मेरी कोई गाड़ी सर्विस हो रही होती है तो मुझे वहीं खड़े होकर उसको देखना होता है और मिस्त्री को कॉन्शियस करना होता है, बट इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ऊपर से मैं ऊपर बैठा हूँ, गाड़ी धुल रही है और बस धुलेगी और फिर हम चलेंगे बहादुरगढ़ अपनी दूसरी थार की कैंसिलेशन अमाउंट लेने। और आज सुबह कोमल रनिंग पे गई थी ना तो वो सो रही है जैसे मैंने आपको बताया था ना, पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों पूरे शोरूम में वाइट थार सबसे बॉम लग रही है। रेड भी है यहाँ पर, ब्लैक भी है, एक वो एक्वा मरीन कलर आता है जो म्यूकस का कलर होता है वो भी है, पर सबसे बॉम वाइट ही लग रही है। दो सर्विस वाले बंदों ने भी मुझे बोल दिया भैया गजब लग रही है गाड़ी। पता है कितनी मजदूरी करके बैठी है, सोचा कोई भी नहीं है पूरे शोरूम में। ये टी शर्ट रियल लाइफ में तो सही लग रही है बट कैमरे पे अच्छी नहीं लग रही। जो मेरे को 15 अगस्त का टैन हुआ है ना उसका कलर और मेरी टी शर्ट का कलर एक ही हो गया।
मेरी स्किन का कलर आई मीन। चलो अब हमें वेट ही करना है, तो जब तक मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग काम करता हूँ, यूज़र मैनुअल पढ़ता हूँ। तो हम सर्विस करा के रजौरी गार्डन के जो कार ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहाँ पर सर्दियाँ आने से पहले शादी वाले अपना टेंट लगा देते हैं, हम वहाँ आ गए हैं। हम यहाँ पर क्यों आए कोमल? क्योंकि आपको ये तो पता है कि हमने गाड़ी ले ली है, गाड़ी से आप मिल भी चुके हो, लेकिन हमने आपका कभी इंट्रोडक्शन अच्छे से करवाया नहीं इससे। क्योंकि गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और एक तरीके से 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो अब हम अपने भाई को लिटरली मना कर सकते हैं कि तू अब गाड़ी मत लेके जा, क्योंकि इसी प्रॉमिस में हमने उसको गाड़ी दी थी कि पहले 1000 किलोमीटर तू चलाएगा। अब वो मेरे से गाड़ी नहीं ले सकता। अब ये भैया से गाड़ी नहीं ले सकता, मैं बता रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, बैक टू द टॉपिक। हमने अपनी गाड़ी का नाम डिसाइड कर लिया, एक्चुअली डिसाइड कर रखा था बहुत टाइम से, हमने गाड़ी बदल दी। हमने अपनी गाड़ी का क्या नाम रखा है तो वो हम बताएंगे 1, 2 and 3। मीट एटम। एटम, एटम नाम क्यों रखा? एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? पर नो, एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर एडवेंचर्स। आगे ये बताने आई हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, किसी और की नहीं है। कभी कभी ना शक हो जाता है कि यार हमारी गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठे, हमने कहाँ स्कूटी से स्टार्ट किया था। और बता कि ये मेरी गाड़ी है। और वो बता जो अभी तो कह रही, लोग जो स्माइल करते थे तेरे को क्या पता? जैसे ना अभी ना यहाँ पे यहाँ से ना स्कूटी से दो लोग जा रहे थे ना, तो ऐसे देखते हुए जा रहे थे गाड़ी को हमें, फिर ना मुझे ऐसा मन करता है हमारी गाड़ी सर खुश हो रहे, मैं भी बड़ी खुश हुई हमारी गाड़ी। मीट एटम, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। हम दोनों को पता क्यों बिलीव नहीं रहा, क्योंकि हमारे को गाड़ी मिलती नहीं है। कल परसों ना मेरा भाई ना थोड़ा गुस्से में था, कुछ बात पे डांट रहा था कि भाई तू कंटेंट थोड़ा कम डाल रहा है। तो कहते यार तू रील वील तो डालता नहीं है गाड़ी की। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे रील डालूंगा गाड़ी की, सोनेट की डाल दूं। मुझे पता है क्या लगता है कि जब हम भैया को कहेंगे ना कि भैया हम ना कल ट्रिप पे जाएंगे, तो आप गाड़ी छोड़ जाना, भैया कहेंगे तुम सोनेट ले जाओ, डप्पा हो जाएगा उस दिन। ये देख रोशनी, रोशनी देख सही आ रही है यहाँ से। नहीं नहीं साइड से ले, साइड से जैंक की आती है, आगे चल थोड़ा सा। दोस्तों सिटी आ गई है। हमारे को ना सच में एक्चुअली दोस्तों बिलीव नहीं हो रहा, झूठ की बात नहीं बोल रहे, हमारे पास गाड़ी रहती नहीं है, हम तो सीधा तब भी स्कूटी पे ही घूम रहे हैं। परसों तो कोमल मेरी लड़ाई हो गई थी, मिस्त्रियों के लिए शराब लेने गए थे, तो हम ना एक्चुअली गुड़गांव के L1 से लाते थे शराबें, तो शराबें नहीं मतलब एक दो बॉटल जो लानी होती है। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ, ओ सुसु मत कर दी, ओए कुत्ता सुसु करने की प्लानिंग करता, ईंट मारता हूँ मैं भाई, हमारी टांग पे कर दे, हमारी नई कार में मत कर। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो हम फिर भी स्कूटी पे घूम रहे हैं दोस्तों, हम फिर भी तब भी स्कूटी पे गए थे। कोमल में लड़ाई होगी यार कि हमें जबरदस्ती है क्या मजदूरी करनी है, हमारे घर पे गाड़ी है। मेरे को ना इससे एक बात याद आती है, मेरे को लगता है कि अगर रणधीर का बस चले ना, तो अगर रणधीर को लोग बोले कि सर आज गाड़ी की सर्विस है, तो सर मैं स्कूटी पे आ सकता हूँ, तो मैं स्कूटी पे आ जाता हूँ। गाइस इसको समझ नहीं आता कि ना स्कूटी बहुत कन्वीनियंट होती है, मैं गाड़ी वाला बंदा हूं ही नहीं। साइड कर दिया तूने, नहीं तूने मेरी बात नहीं समझी। अच्छा मैं अब समझ आया, समझ आया। अच्छा कह रही कि गाड़ी की सर्विस लेके जानी होगी, तो मैं वो कहेंगे कि मैं बोलूंगा कि भैया अगर स्कूटी ले आओ। हां इसका बस चलता तो कहते सर गाड़ी तो घर में खड़ी है, आप स्कूटी में, स्कूटी पे आता हूं। बेइज्जती कर रही है ताऊ की है। दोस्तों मेन बात है स्कूटी कन्वीनियंट होती है, मैं टू व्हीलर वाला बंदा था ना दोस्तों, गाड़ी में ट्रांजिशन करना, थोड़ा सा रेगुलरली निकालना, दूध लेने के लिए भी गाड़ी पे जाना, इज नॉट माय ओपिनियन, माय चॉइस। मैं गरीब हूँ दोस्तों, अब हम ये बोल नहीं सकते। तू गाड़ी की अलग अलग जगह पे क्यों जा रहा है भाई? कोई फोटो तो नहीं ले रहा? लोगों को ये बता रहा होगा ना मैं इनके साथ हूँ। हमारे पास एल्बस है, पर तुझे चलना है तो तू भी चल सकता है, वैसे बढ़िया बंदा लग रहा है। सो हम आपको स्पेशली एटम से मिलवाने इसलिए लाए थे दोस्तों कि हम गाड़ी लेते ही एडवेंचर पे इसलिए नहीं गए थे, क्योंकि देखो आप सबको पता है कि फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे होती है, और अगर वो ना कराओ तो फिर वारंटी वगैरह में दिक्कत आती है और आगे की सर्विसेज में इशू आता है। तो हमने फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स कवर करने थे और उसके बाद हम अपने एडवेंचर पे निकले, क्योंकि हमारा जो बेसिक से बेसिक एडवेंचर भी होता है ना, वो 1000 किलोमीटर तो यूं पार हो जाते हैं उसमें। तो हमने सोचा था कि पहली सर्विस करवाओ और फिर निकलेंगे थोड़ा लंबा, कि 1000 किलोमीटर भी हो जाएंगे और भैया की भी अपनी थार के लिए मिट जाएगी। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि हमारा भाई जो है वो सोनेट के लिए इतना खुश नहीं हुआ था जितनी वो थार के लिए खुश। सोनेट के लिए वो कुछ खुश भी नहीं हुआ था मुझे लगता है।
अगर भैया की स्माइल सोनेट पे ऐसी थी ना तो भैया की थार पे वो वरना पे ज़्यादा खुश हुआ था, वो सोनेट पे इतना ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि सोनेट ना हमारी मम्मी को पसंद थी। जब इंडिया में किया लॉन्च हुई थी तो मम्मी ने तभी कहा था कि हम किया ही लेंगे नेक्स्ट कार, तो हमने किया ही ली थी इसलिए मैं तब भी थार कह रहा था। अब आप हमारे एटम से मिल चुके हो तो आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा हमारे एटम का नाम और कैसी लगी हमारी जानदार जबरदस्त एटम, क्योंकि अब इसी पर हम जाएंगे नेक्स्ट एडवेंचर पे, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। तैयारी स्टार्ट करें फिर, चलो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं और तैयारी करते हैं। आपको कैसा लगा ब्लॉग हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम कोई भी नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।